फ्रेंड, आपका स्वागत है चैनल राजकोर के आज के नए ब्लॉग में। और आज है गणेश चतुर्थी, तो सबसे पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश जी हमारे साथ साथ आप सभी के भी जीवन में बहुत सारी खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और मतलब जिनके भी काम रुके हुए हैं वो सारे हो जाए और बहुत अच्छा स्वास्थ्य रहे, ये कामना करती हूँ। और आज सुबह जल्दी मैं नहा धो ली हूँ क्योंकि करनी हमें पूजा गणेश जी की। और यहाँ मतलब हमारे यहाँ राजस्थान में हो सकता है कई जगह बनाते होंगे बहुत ज़्यादा, लेकिन हमारे यहाँ इतना नहीं मनाते गणेश चतुर्थी पे, मतलब इतनी ज़्यादा स्थापना वगैरह नहीं होती। तो जो हम उनके लिए प्रसाद ले आए थे, और आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है सुबह से, तो बरसती बारिश में ही गए थे मेरे हस्बैंड, प्रसाद वगैरह भी लेके आए, फूल माला वगैरह। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे थे पूजा, और मैं और हस्बैंड नहा लिया, अकी को तो नहीं नहलाया क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है अभी। तो चले अकी पूजा करें, पूजा करें जय जी की, चलो यहाँ चले। प्रसाद वगैरह भी पूरा मतलब पॉलीथिन वगैरह भीग चुकी है, इतनी बारिश हो रही है अभी। अभी यहाँ मैंने स्टार्ट कर दी गणेश जी की पूजा। हालांकि मुझे ये पूरे विधि विधान से करने का तरीका से नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश जी की मूर्ति की अलग से स्थापना नहीं हो रही है कि बाद में जिसका विसर्जन करना होता है। हमारे यहाँ पूजा की जा रही जो पहले से हमारे घर के मंदिर में स्थापित मूर्ति है गणेश जी की, तो उसी की हम पूजा कर रहे हैं। तो जनेऊ एक्चुअली लाना भूल गए थे, तो मैंने मूली ही यूज़ की इसके लिए, और थोड़ी फूल मैंने मंगवा लिए थे जिससे कि थोड़ा बहुत मतलब भगवान को चढ़ा सके फूल और बिछा सके, मतलब थोड़ा डेकोरेट टाइप भी हो जाए। और माला वगैरह भी मंगवाई थी गणेश जी के लिए, तो माला तो मतलब काट के हमें छोटी करनी पड़ी उस माला को, तब जाके गणेश जी की हो पाएगी। गणेश जी मूर्ति हमारी छोटी सी है, बहुत ही प्यारी सी, तो उसके लिए छोटी सी माला हमें बनानी पड़ी। और मतलब मुझे ऐसा कभी काम नहीं पड़ा कि जब गणेश चतुर्थी पे हमें ऐसा हो कि भाई गणेश जी की मूर्ति लाई गई हो और स्थापित की गई हो, ऐसा कभी काम पड़ा नहीं। तो इतना मुझे विधि ध्यान पता नहीं है, लेकिन जैसा भी मुझे पता है कि ठीक है, जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है उस हिसाब से मैं यहाँ पूजा कर रही हूँ। और क्योंकि यहाँ मैंने ना तो हमारे परिवार में ऐसा कहीं देखा है, ना ही आसपास में कहीं देखा है कि कोई भी ऐसे मूर्ति ला के स्थापित करते हैं फिर विसर्जन के लिए लेके जाते हैं, तो इतना कुछ मुझे पता भी नहीं है। यहाँ गणेश जी की रोली मोली करने के बाद मैं यहाँ जला रही हूँ दीपक गणेश जी के, और दीपक जलाने के बाद में मैं सबके कर रही हूँ तिलक। और यहाँ देखिए डबल तिलक हो चुके हैं अकी के पहले, क्योंकि एक उंगली पे पहले से लग रखा था मेरे तिलक। सबके तिलक करने के बाद मैंने किया मेरे खुद के तिलक, क्योंकि मैं इतनी देर से पूजा कर रही थी और खुद मैंने तिलक निकाला ही नहीं था और मैं भूल चुकी थी ये चीज़। और अब आगे की मैं पूजा करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पूजा में प्रसाद चढ़ाया नहीं था उस समय, तो अब मैं चढ़ा रही हूँ गणेश जी महाराज के प्रसाद। तो प्रसाद के लिए जो मोदक हमें मंगवाने थे वो एक्चुअली मिले नहीं, तो यहाँ हमें मिले बेसन के लड्डू। तो हम यहाँ चढ़ा रहे हैं बेसन के लड्डू महाराज के, और उसके बाद मैंने चढ़ाया जल। हाँ, कई लोग कहते हैं कि गणेश जी महाराज को फिर से जल नहीं पिलाया जाता, लेकिन हाँ हमारे यहाँ पिलाते हैं, तो मैंने बस उसी चीज़ को फॉलो किया एंड ऑल। और इसके बाद सभी देवी देवताओं के मैंने भोग लगाया और सबको किया प्रणाम। और यहाँ फिर होता है एक सेल्फी टाइम भगवान के साथ। भगवान अभी मुझे किचन का इतना कोई काम नहीं करना, क्योंकि जो खाना नाश्ता वगैरह सारा बना के फिर ही हम लोगों ने पूजा की थी। क्योंकि मतलब मैं सुबह जल्दी उठ गई थी टिफिन वगैरह बनाने के लिए, तो मैं सोचे पहले टिफिन वगैरह बना देते हैं जब तक ये थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले। तो अभी टिफिन वगैरह रेडी, सब्जी वगैरह मैंने बना के रखी है, सब्जी है रेडी और रोटियाँ है इसमें, तो अभी लगा देते टिफिन। टिफिन इज रेडी। घर में गणेश जी की पूजा होने के बाद अभी पूजा की जा रही है जो द्वार पे गणेश जी बिठाए होते हैं उनकी। तो अक्की बना भी आई है साथ, और तू बेटा पानी इधर, पानी इधर आराम से चलना, ठीक है। बंद हो गए अक्की जा रहे पापा।
बाय। क्या हुआ कि मैं हस्बैंड की ड्यूटी जाने के बाद में फर्स्ट काम मैंने ये किया है कि मैंने पहले सुलाया अक्की को ताकि वो मुझे घर का काम करने दे सके। तो अभी मैं लग जाती हूँ घर की साफ सफाई की, क्योंकि हमने पूजा की थी तो उस टाइम अगर मैं घर की साफ सफाई करके फिर पूजा करते तो बहुत लेट हो जाता उन्हें ड्यूटी पे। तो हमने सिर्फ मंदिर वाले एरिया की वहाँ की सफाई की थी और पूजा कर ली थी। तो अभी घर की जो भी बाकी की साफ सफाई वो अभी कर लेती हूँ। घर का पूरा काम करने के बाद में सबसे पहले मैंने अक्की को नहलाया, और अक्की को नहलाने के बाद में सबसे टफ काम जो मुझे लगता है वो है चोटी बनाना इसकी, क्योंकि ये मतलब एक जगह गर्दन रखता ही नहीं है। और नहा के आया है अभी जस्ट, और मतलब पूरे दिन इसको ट्रैक्टर चाहिए। ये देखो अक्की, ओ अक्की चोटी बनवा लो बेटा, चोटी बना लो, चोटी बना दो क्या अक्की? इसे मतलब ही नहीं, मतलब ट्रैक्टर ही बस, चोटी बना दो। अब यहाँ जैसे तैसे अक्की को मनाया मैंने चोटी बनाने के लिए, लेकिन वो ट्रैक्टर से उतरने का नाम नहीं ले रहा था। तो मुझे लगा कि फालतू में 10-15 मिनट और मेरे वेस्ट करेगा, उससे अच्छा है कि इसके ट्रैक्टर पर बैठे बैठे की चोटी बना दूँ। सो यहाँ मैंने उसके स्टार्ट कर दी चोटी बनाना की, जो कि काफ़ी मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि इसकी भैया गर्दन टिकती नहीं है एक जगह। रुको बेटा, रुको 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 बेटा, गाड़ी चल जाएगी अपने आप से, देखिए गाड़ी चल जाएगी फिर अपने आप से, पूरी चल जाती है ना गाड़ी बेटी, तो एक ही तो रुक जा। अरे रुको, इधर आओ, इधर आओ, आई बेटे मैंने इतनी मुश्किल से किया, गर्दन घुमा रहे दादा। हाँ जी दादा, जाओ चोटी बनवा ली एक बार बस शांति में। नौटंकी तो रहने दे, ठीक है, जानती हूँ अच्छे से। लेके दिखाओ, इधर आओ, ये देखो बुलबुल रेडी है। बुलबुल रेडी? मम्मा ने रेडी कर दिया तुझे, है ना? यस। इस कंघे से किया, फिर से बैठना ट्रैक्टर पे बैठना। यस, ये लो बैठिए, कंघा मम्मी को दे दो, कंघा दे दो। बड़ी मुश्किल से करवाता है ये चोटी, देख क्या रहा है, तेरी बात हो रही है।